साथ ही रहता था जो कि बहुत घमंडी था। तो चीची और टकवा खुशी से रहते थे। एक बार उन्हें चीची ने 3 अंडे दिए, जिसमें से चीची और टकवा जो थे उस अंडे को उस अंडे से बच्चे आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो घमंडी हाथी जो है आके उसी पेड़ के नीचे आया और पेड़ को हिला के उस सारे अंडे को उसने गिरा दिया। अब टकपक चीची को बहुत गुस्सा आया। चीची तो रोने भी लगी है कि कैसे इसे सबक सिखाया जाए। तो टकपक अपने मित्र चीची के पास गया और चीची को सारी बात करके उसने बता दी। ठीक है, तो एक हाथी जो है उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो चींटी ने चुपके से उसे नींद आ रही हाथी को, तो चींटी ने चुपके से उसके नाक में उसके सूंड में घुस गई और उसे जोर से काटने लगी। हाथी जो है दर्द से छटपटा गया और कितना भी वो उलट पुलट किया, किसी भी तरह से वो चींटी से को बाहर नहीं निकाल पाया, ना ही अपने दर्द को कम कर पाया। तो चींटी ने हाथी से कहा कि क्या जंगल के सारे पशु पक्षियों को तंग करोगे, परेशान करोगे? तो हाथी ने कहा, उसे अपने से छोटा समझोगे? तो हाथी ने कहा कि नहीं चींटी रानी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी भी पशु पक्षियों को तंग नहीं करूंगा, किसी भी जंगल के जानवरों को तंग नहीं करूंगा और नहीं अपने को अपने से छोटा उन सबको अपने से कमजोर गोरैया के जोड़े का क्या नाम था? तो चींची और टकपक। क्या किसको अपने बल पर घमंड था? तो हाथी को अपने बल पर घमंड था। टकपक क्यों खुश था? तो टकपक क्योंकि चींची और टकपक चींची ने 3 अंडे दिए थे और उन अंडों से बच्चे जो है बाहर आने वाले थे, जिससे टकपक खुश था। ठीक है, चींटी किसकी मित्र थी? तो टकपक की मित्र थी। चींटी किसकी मित्र थी? टकपक। चींटी के अंडे कैसे टूटे? तो वो घमंडी हाथी जो है पेड़ को जोर से ऐसे से हिलाया, जिससे चींटी के अंडे जो है नीचे गिर के टूट गए और उनके अंडे टूट गए। ठीक है, चींटी और टकपक ने अपना घोंसला कैसे बनाया? कैसे बनाया? तो इनके रुई और पंख बटोर कर चींची और टकपक ने अपना घोंसला बनाया। हाथी की सुन में चींची कैसे घुसी? तो हाथी जो है वह सो रहा था, तो उसे नींद आ गई और चींची जो है उसके सुन में घुस गई। चींची ने हाथी से क्या पूछा? तो चींची ने हाथी से पूछा कि क्या तुम अपनी अब भी जंगल के पशु पक्षियों को तंग करोगे, परेशान करोगे, उसे अपने से कमजोर समझोगे? क्या हाथी को किसने सबक सिखाया और कैसे? तो हाथी को टकपक और चींटी ने सबक सिखाया। क्या उसके सुर में घुस के उसे काट कर उसे परेशान कर कर उसे सबक सिखाया। क्या ये सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चींटी ने हाथी की सुर में घुसकर क्यों काटा? क्यों काटा? क्योंकि वह हाथी को सबक सिखाना चाहती है। चींटी हाथी की सुर से बाहर क्यों निकल आई? क्योंकि उसने चींटी रानी से क्षमा मांग ली थी। अब है नीचे कहानी क्रम में वाक्य के पहले, दूसरे और तीसरे मतलब लाइन कौन सा, पूरे कहानी में कौन सा लाइन पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया? क्या चींटी चुपके से हाथी के सुर में घुस गई। हाथी ने अपने सुर में पेड़ को सुर से पेड़ को जोर से हिलाया। एक चींटी ने घोंसले में 3 अंडे दिए। चींटी ने हाथी के सुर में जोर से काटा, घोंसला पेड़ सब पहला कौन है? एक दिन चींटी ने घोंसले में 3 अंडे दिए। क्या सेकेंड में आएगा
हाथी ने अपने सूर से पेड़ को जोर से हिलाया। तीन हुआ, तीसरा हुआ, थर्ड में हाथी ने चींटी चुपके से हाथी के सूर में घुस गई। फोर में होगा, चींटी ने हाथी के सूर से में जोर से काटा। थ्री में होगा, घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया। थ्री में, टू में हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को जोर से हिलाया। थ्री में होगा, घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया। फोर में चींटी चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। और फाइव में चींटी ने हाथी की सूंड में जोर से काटा। ठीक है, अब यहाँ भाषा की बात। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, के टुकड़े मतलब वर्ण जो है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्णों या अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ हो क्या कहलाता है? शब्द। ठीक है, शब्द अक्षरों से बनते हैं और वाक्य शब्दों से, शब्दों के सार्थक समूह से, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, मूल ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, लखनऊ, ये सब क्या है? शब्द है। और क्योंकि इसके सार्थक, क्योंकि कलम जो है सार्थक शब्द है। कलम का मतलब क्या? कलम का नाम सुनते ही लिखते क्या मन में आता है? कलम, जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ शहर का नाम। ठीक है, तो ये सब सार्थक शब्द है, जिस शब्द के अर्थ हो, जिस शब्द का मतलब हो। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। फिर एक वचन से बहुवचन, जोरा जो दो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वचन में जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो और वह शब्द पुलिंग हो, तो उसमें एक की मात्रा लगा है, हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो जोरा शब्द है, तो इसमें एक की मात्रा लगा के हम बहुवचन बनाते हैं। घोंसला, ठीक है, तो आ की मात्रा है, इसमें भी अंत में घोंसला पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें भी
हर्ष्व की मात्रा ट देगी, दिल्ली को हर्ष्व करेगी शब्द के अंत में, दिल्ली की मात्रा उसी दिल्ली को हर्ष्व करके यहाँ लगा के हम और शब्द बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। और चीटी जो है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, तितली, इसमें भी दिल्ली की मात्रा है और दिल्ली की मात्रा और तितली भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें भी हर्ष्व की मात्रा लगा के हम बहुवचन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। रानी, रानी दिल्ली की मात्रा है, इसको हम हर्ष्व की मात्रा लगा के बहुवचन, रानी स्त्रीलिंग शब्द है, दिल्ली की मात्रा या ये दिल्ली को हर्ष्व करके हम यहाँ लगा के बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ है जानवर जो भी है इसमें, ये सब में दिल्ली की मात्रा है, यानी दिल्ली की मात्रा है, ये दिल्ली की मात्रा है, ये हर्ष्व की मात्रा है, यहाँ आग की मात्रा है, तो ये सारे पशु पक्षी हैं, तो इसमें जो है जैसा है वैसे ही लिखाएगा, ठीक है। हाथी है तो जैसे हाथी ही रहेगा, लेकिन दो हाथी, चार हाथी, ठीक है,
करोगे या पशु पक्षी वो सब सारे पशु पक्षी नहीं घोड़ा आदि मात्रा और शब्द पूरी है तो उसमें घोरी एक ही मात्रा लगा के बहुवचन बनाते हैं लेकिन कुछ शब्द हैं हाथी हुआ पंछी हुआ पशु हुआ तो क्लास में दीर्घी की मात्रा है यहाँ ह्रस्व उ की मात्रा और वह शब्द पूरी रहता है ठीक है और गोरैया यहाँ पे चार गोरैये चार गोरैया इसको छोड़ के ये तीनों जो है ह्रस्व की मात्रा दीर्घ की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा ह्रस्व ई की मात्रा हो और वह शब्द पुलिंग हो तो उसमें जो जैसा है वैसे ही रहेगा उससे सिर्फ वचन की पहचान उसके वाक से होती है ठीक है वाक से उसके वचन की पहचान हो क्या चीटी हाथी को किसी और तरीके से भी सबक सिखा सके।